नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 संसदीय क्षेत्र के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेय गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ संसदीय क्षेत्र क्रमांक 2 के लिए 7 मई को मतदान होगी। इस हेतु अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने के अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 है। नामांकन पत्रों को संवीक्षा 20 अप्रैल 2024 तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2024 व मतदान 7 मई 2024 को होगी। वहीं मतगणना 4 जून 2024 की जाएगी। इस तरह आज से रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा, जशपुर जिले के 3 और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के 1 विधानसभा क्षेत्र है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में 2,367 मतदान केंद्र बनाए गए हैं तथा 18,19,067 मतदाता हैं। मतदान सुचारू रूप से संचालन के लिए पुलिसिंग व्यवस्था भी कर ली गई है। संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हांकित कर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। आज 3 बजे के बाद जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन का शेड्यूल घोषित किया है, उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो गई है और हमारे रायगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसका सरल क्रमांक 2 और जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पूर्णतः इलेक्शन का मॉडल कोड लागू हो चुका है। मॉडल कोड के चलते जो पहले 24 घंटों में सभी शासकीय भवनों से संपत्ति विरूपण की कार्रवाई पूर्ण होनी है वो प्रारंभ हो चुकी है, उसके और वहाँ पहले 48 घंटों में सार्वजनिक स्थलों से सारी संपत्ति विरूपण को हटाना है और फिर पहले 72 आवर्स में निजी यदि कोई भी भूमियाँ हैं या भवन हैं बिना अनुमति के अनाधिकृत यदि कोई संपत्ति विरूपण हुआ उन्हें हटाना है। ये प्रणालियाँ चालू हो चुकी हैं, सभी सुसंगत तैयारियाँ प्रारंभ हो पहले से ही थी, उन्हें रोल आउट कर दिया गया। इलेक्शन एक प्री डिटर्मेंट फॉर्मूला की तरह चलता है। जिला प्रशासन रायगढ़ और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रायगढ़, जिसके तहत 3 जिले हैं, जशपुर रायगढ़ और सारंगढ़ रायगढ़, इन तीनों के भी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र क्रमांक 2 के लिए लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल को होगा और मतदान की तिथि 7 मई को होगी। 7 मई दिन मंगलवार है। सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। 7 मई दिन मंगलवार को रायगढ़ का जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें मतदान दिवस रहेगा। सभी तैयारी पूर्ण है। 2,367 मतदान केंद्र हैं जो कि रायगढ़ लोकसभा केंद्र में आते हैं। नंबर ऑफ वोटर्स की बात करें, इस बार हमारे पास कुल मिलाकर 18,29,067 मतदाता हैं जो कि ये तीनों जिलों में बटे हुए हैं, जिसमें से पुरुष की संख्या 9,04,355 और महिलाओं की संख्या 9,24,663 है। तृतीय लिंग के 49 हैं। इस प्रकार कुल योग 18,29,067 है। बड़े खुशी की बात है कि हमारा जो जेंडर रेशियो है हमारे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 2 रायगढ़ का, ये 1023 है, यानी प्रत्येक 1,000 पुरुष वोटर के लिए 1,023 महिलाएं हैं। नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स हमारे कुल मिलाकर 2,367 है। आज से आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है और उसके अनुरूप पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है। आज रात से ही फ्लाइंग स्क्वाड एक्टिवेट हो जाएगी। टोटल 14 फ्लाइंग स्क्वाड बना लिया गया है जो आज रात से ही एक्टिवेट हो जाएगा। आज से ही सभी टोटल 17 थाना चौकी में QRT बना ली गई है, जो कि जहां पे भी सूचना आएगी तत्काल हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और हमारे टोटल 18 बॉर्डर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। हमारा जिला चूंकि अंतर्राज्यीय जिला बॉर्डर भी है तो इसलिए 9 बॉर्डर चेक पोस्ट ऐसे हैं जो
इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट है और 9 ऐसे हैं कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है, और ये सभी भी एक्टिवेट किए जाएंगे और इस प्रकार से पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। साथ में ही इलेक्शन में जो भी क्रिटिकल बूथ होते हैं उसमें पुलिस के अतिरिक्त सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई जाती है, उसके लिए भी हमारे द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली। बीते 2 महीने पहले रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र में स्थित हाटी सरकारी छात्रावास से नाबालिग लड़की के गायब होने और उसके 2 दिन बाद अर्धनग्न अवस्था में काफरमार निवासी संजय राठिया के घर उसका शव मिलने की दर्दनाक घटना सामने आई थी। घटना के बाद से ही पीड़ित सारथी परिवार न्याय की आस लिए कभी छाल थाना तो कभी जो भी चौकी के चक्कर लगाता रहा, लेकिन दोनों जगह से न्याय नहीं मिलता देखने के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के सामने भी पीड़ित परिजनों ने गुहार लगाई थी। हालांकि उनके आश्वासन के बाद भी घटना को लेकर पुलिस की न तो जांच खत्म हुई, न ही पुलिस ने पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। पीड़ित परिवार को 2.5 महीने घुमाया। अंततः परेशान होकर पीड़ित परिजनों ने आज जिला मुख्यालय में SP ऑफिस के सामने मृतिका की फोटो लगाकर महात्मा गांधी चौक में धरना दिया। धरने के दौरान पीड़ित परिवार ने अपनी मृत बच्ची के पक्ष में न्याय मांगा। परिजनों का कहना है कि उनकी मरहम बिटिया के साथ आरोपी ने रेप कर उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन वह पुलिस को यह बताता रहा कि उनकी बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। लेकिन जिस अवस्था में बिटिया का शव मिला था उसे देखकर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। अब तक पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। अब जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और आरोपी युवक को कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक हम सब यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। पूरे मामले में एडिशनल SP आकाश मरकाम का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। कहाँ ले आया? सीतापाली। आज कहाँ मामला लेके गांधी प्रतिमा और बेटी के इंसाफ लेके इंसाफ मांगे बरा है। कहाँ घटना घटी? साथ बहुत बड़े घटना घटी से ओला संजय राठिया बहले पुछ लेके लाइन कोलर एक मर्डर कर दी थे। कहाँ ले लान के? ओला हाटी हॉस्टल ले लाइन के करी से। मैं हाटी हॉस्टल में ओला पढ़ा थे। कहाँ और इस घटना? घटना है काफर मार की घटना है। और काकर घर में बरामद करी? संजय राठिया के घर में। तो उनका शिकायत करे रहा? शिकायत पर गए रहन सर, लेकिन कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई से। पुलिस वाला उनके क्या कहना रही? पुलिस वाला इन कहा थे कर रहा चल रहे जिस कार्यवाही चल रहे जी कार्यवाही आज आएगा रिपोर्ट कल आएगा रिपोर्ट, इसलिए कहें कि हम लोग बहला फुसला। मामला जो है मामला चौकी जो भी PS खरतिया का मामला है, PI खरतिया और जो LTP उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जो कुछ चक्र हैं तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब वो पुलिस की प्रक्रिया है, थोड़ा सा उसमें जांच में जांच की जा रही है उसमें और जांच पश्चात तत्काल इसमें कार्रवाई की जाएगी। चुनावी बिगुल बजने के बाद सत्ता पक्ष पूरी तरह आत्मविश्वास में है। उत्तर प्रदेश BJP अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि BJP कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। 51 सीटों पर पहली सूची जारी हो चुकी है और जल्द ही घटक दलों के नाम के साथ जारी होगी। उनका मानना है कि जनता के लिए किए गए काम के दम पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और UP की जनता एक बार फिर BJP को भारी बहुमत का आशीर्वाद देगा। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया है। इस महापर्व में शामिल होने के लिए मैं अपने प्रदेशवासियों का, प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र में अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर, अपने विचार के आधार पर सत्ता का संचालन करना, ये लोकतंत्र में हमें सौभाग्य मिलता है। मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी
हमारा एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और हम लोग लगातार अपने कार्यक्रम और अपने अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। हम 10 साल से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में काम कर रही है और 7 वर्षों से राज्य में भी भाजपा के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हमारा संगठन का काम नीचे बूथों तक हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची प्रत्याशियों की, 51 लोकसभा के प्रत्याशियों की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित हैं, घोषित कर दी है और बहुत जल्द शेष प्रत्याशी भी हम अपने घटक दलों के साथ, एनडीए के हिस्सेदारों के साथ मिलकर घोषित करेंगे और अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो जो काम हुए हैं उन सारे कामों को लेकर उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में जाएंगे। उत्तर प्रदेश की महान जनता एक बार पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी को आशीर्वाद देगी और निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, हम सब लोग पूरी तन्मयता के साथ अभियान से जुड़कर उस संकल्प को पूरा करेंगे। पिछली बार हमारा जो संकल्प है सहारनपुर से लेकर बलिया तक, हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में हैं और सारी सीटें जीतेंगे, पश्चिम की भी जीतेंगे, मध्य की भी जीतेंगे और पूर्व की भी जीतेंगे। लखनऊ में पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह लोकतंत्र की घोषणा का स्वागत करते हैं और पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी अकेले 370 प्लस सीटें जीतेगी और गठबंधन 400 प्लस सीटें जीतेगा। चुनाव के ऐलान का स्वागत करता हूँ। देश को और दल को, हमारी पार्टी को भी इंतजार था कि चुनाव की तिथियों का ऐलान हो, चुनाव हो और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश को विकास के मामले में 100 वर्ष आगे ले जाने का काम करे और जो विकसित भारत का संकल्प देश ने लिया है, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया है, वह सफल होगा और 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है उसका भी स्वागत, 4 जून को मतगणना होगी उसका इंतजार और भारतीय जनता पार्टी 2022 से विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद ही लोकसभा चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा और गठबंधन के हमारे साथी जीतेंगे। देश में भाजपा 370 प्लस और गठबंधन जो हमारा है एनडीए है वो 400 प्लस या सीटें जीतेगा, या मुझे पूरा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को अमेठी मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि मात्र अमेठी नहीं पूरा राष्ट्र तैयार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम को छूने के लिए। पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मैं अभिलाषी हूं कि हर नागरिक करीब 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के विकास यात्रा को करीब से देख रहा है। हर नागरिक संकल्प भाव से अपना वोट दें और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवा की उपाधि में राष्ट्र की सेवा करने का मौका दें। अमेठी में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के पूर्व अमेठी में ज़्यादातर घरों में बिजली नहीं थी, कोई अपने परिवार को अंधेरे में रखकर खुद उजाले में रहता है। अमेठी को वर्षों वर्ष इमोशन के आधार पर छला गया। आज अमेठी की जनता यह पूछ रही है कि अगर स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों में इतना विकास का कार्य कर सकती है तो क्या वह नहीं कर सकते थे। मात्र अमेठी नहीं पूरा राष्ट्र तैयार है के विकास के नए शिखर को छूने के लिए पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाएगा। मैं अभिलाषी हूँ कि हर नागरिक गत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को देखते हुए
संकल्पित भाव से चुनाव में अपना वोट दे और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक की उपाधि में राष्ट्र की सेवा करने का मौका दे। हम प्रफुल्लित हैं कि आज जब हम कह रहे हैं अब की बार तो जनता सामने से कह रही है 400 तारीख का ऐलान होने वाला है अभी कुछ घंटे बाद, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए हैं? मैं इतना ही कहूंगी कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो नामदार और कामदार के काम के बीच का फर्क राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि अमेठी में हम बदलाव की राजनीति करेंगे, जिसके चलते 1,08,062 परिवारों को पहली बार जीवन में एक घर मिला, 2,30,000 से ज़्यादा महिलाओं को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला मात्र 5 वर्षों में, 3,80,000 किसानों को पहली बार अपने बैंक के खाते में 6,000 रुपया मिला, लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को नल से जल मिल रहा है, अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज स्थापित इन्हीं 5 वर्षों में हुआ, पहली बार डायलिसिस सेंटर का बनना, पासपोर्ट सेवा केंद्र का बनना, सॉइल टेस्टिंग लैब का बनना। प्रश्न ये उठता है कि अगर कामदार मोदी इन 5 वर्षों में अमेठी में इतना काम कर सकते थे तो वो लोग जो सत्ता में थे वर्षों वर्ष तक केंद्र में भी प्रदेश में भी, उन्होंने जानबूझकर अमेठी में विकास को क्यों नहीं किया, और विशेष चुनाव हारने के बाद वायनाड जाकर अमेठी की जनता को अपमानित करने का दुस्साहस क्यों किया? ईरानी जी क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं राहुल गांधी आए भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए लेकिन चुनाव वायनाड से लड़ रहे हैं? आज उन्हीं की पार्टी के लोग, जिनको परिवार बता रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं की पार्टी के लोग आज भाजपा में। देखिए, क्या परिवार को कोई घर से पानी से ईंधन से वंचित रखता है? क्या परिवार को कोई शौचालय से वंचित रखता है? यहाँ पर जब मैं पहली बार जनप्रतिनिधि पास, माता जी केंद्र में सत्ता में थी, उनके मित्र अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे, सत्ता को कोई अभाव नहीं था उनके पास, लेकिन सेवा का ध्येय नहीं था, इसलिए अमेठी को वंचित रखा। दोनों की जोड़ी एक बार शायद राहुल गांधी जी की, यहाँ तो किसी जोड़ी के दर्शन नहीं हुए भैया, क्योंकि अखिलेश जी भी जानते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी को कोई समर्थन नहीं है। पिछले विधानसभा का चुनाव, और ये मात्र अंग्रेजी में एक शब्द है, रिटोरिक नहीं है, पिछले विधानसभा के चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। ये जनता का आक्रोश है जो बढ़ चढ़ कर बोला है। हम पुनः आज जनता के सम्मुख विनम्रता के भाव से आग्रह करते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है ये चुनाव 2024 का। आज देश भर से आवाज उठी है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अमेठी से एक कमल का फूल जाएगा, मोदी की सरकार के माध्यम से लोकतंत्र को सुसज्जित करेगा, ये हमारा संकल्प है। पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए पहले चरण 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी कि चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जनपद में कल 1924 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिस पर 18,20,379 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही बताया कि 20 मार्च को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी और उम्मीदवार 27 मार्च तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। गौरतलब है कि पीलीभीत में बहुजन समाज पार्टी ने अनीस अहमद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि भाजपा व समाजवादी कांग्रेस गठबंधन ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्ण है, और हमारी जो लोकसभा सीट है वो 5 विधानसभाओं को लेकर कंस्टिट्यूट होती है, जिसमें एक बहेड़ी बरेली की है और 4 जो है 127 पीलीभीत है, 4 जो विधानसभाएं हैं 127 पीलीभीत है, 128 बरखेड़ा है, 129 पूरनपुर है और 130 बीसलपुर है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे टोटल 958 पोलिंग केंद्र हैं और 1521 मतदेय स्थल हैं। टोटल जो
हमारी अगर हम देखें ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद जो मेल वोटर हैं हमारे वो 9,73,066 हैं और महिला वोटर जो हैं 8,47,275 हैं और 48 थर्ड जेंडर के हैं। इस बार हम लोगों ने जो व्यवस्था कर रखी है प्रत्येक विधानसभा वार हम 10-10 मॉडल बूथ बनाएंगे और 8 महिला प्रबंधित बूथ बनाएंगे, 2-2 हर विधानसभा वार PWD वोटर्स के लिए भी हम बूथ बनवाएंगे और जो हमारे नए भारतीय कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का प्राप्त हुआ है। ट्री एफ ऑयल पाम में रोइंग अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग इकाई का उद्घाटन हुआ है। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिरूपित उद्घाटन द्वारा चिन्हित इस वाकया से खास तौर पर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। यह कारखाना राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम NMEO OP का हिस्सा है जिसमें तेजी से प्रौद्योगिकी शामिल है, एक पाम ऑयल प्रोसेसिंग और एक रिफाइनरी, जीरो डिस्चार्ज एफ्लुएंट प्लांट और पाम अपोस्टी पर आधारित पावर प्लांट शामिल है। यह पहला भारत की खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रसर को दर्शाता है। अभी 40 हेक्टर लगा दिया अभी रिसेंटली और 200 हेक्टर में और लगाने जा रहा है। लैंड डेवलप हो गया, पहले का जो सरसों खेती अदरक खेती किया हुआ जगह में फिर लगाने जा रहा है। अभी ये नया फैक्ट्री से बहुत ही पानवर को किसानों को मदद मिलने जा रहा है। अभी ये तो पहले तो हम तो 2017 में लगा था तो वो सब लोग डरता था, हमको ही बोलता था लोग क्यों इतना लगाया, आप कहाँ फेंकेगा, गोरू भी नहीं खाएगा, ये भैंस भी नहीं खाएगा, सोर भी नहीं खाएगा बोलता था। लेकिन अभी कंज्यूमर आ गया, हम लोग दौर नहीं अभी तो ये तो एक नेशनल इकोनॉमिक बूम होगा, अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का एक इकोनॉमिक बूम होगा तो अंडर रैली। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV भारत।